जितने साल की आपकी आयु है इतने साल में आप क्या मान के जिए, सच्चाई किस रूप में सामने आई, और जैसा मान के जी रहे थे उसके आधार पे क्या हुआ है, क्या होने की संभावना थी, अभी जो सच्चाई सामने आई है उसके आधार पे आगे के लिए क्या स्थिति बनती है, एक बार उसको थोड़ा सा अपने में ऑब्जर्वेशन लेके देखें, किस तरह के निष्कर्ष आते हैं उनको लिख लीजिए और फिर कुछ शेयरिंग हम करेंगे, फिर आगे बढ़ेंगे। और बोलिए, तो आपको शिविर को समराइज नहीं करना है, सीधा सीधा अपनी बात करनी है कि मुझको क्या मिला। पहले तो ये बात मेरे को बोलना है कि जब छोटे से बड़े हुए तो ज़िंदा ही रहे और मम्मी पापा ने भी ज़िंदा ही रखा। जैसे कि छोटे थे तो घर घर खेला, तो घर घर खेला, आपने बोला कि मम्मी पापा जो करते हैं देखते हैं, तो घर घर खेला में तो मम्मी क्या करती है, वो बैठ के करते हैं कि चलो रसोई बनाई, चलो खाना पिया, ये किया वो किया, घर की जवाबदारी लिया और बड़े बन गए। तो पहली तकलीफ मेरी ये है, मैंने वॉच किया मेरे प्रति कि मैं तो अब फोकस कर रही हूँ कि मैं कैसे जीऊँ, लेकिन मेरी बेटी को मैं वो जी रही है तो मैं जिंदा रखने का प्रयत्न कर रही हूँ, तो उसमें से कैसे सुधार हो सके, क्योंकि कहीं ना कहीं वो हम उस पर ठोस रहे तो उसकी जो स्वतंत्रता है, उसकी कल्पनाशीलता है, उसको मार डाल रहे हैं। तो ये मेरा दूसरा प्रश्न है। बढ़िया, ये आपके घर की कहानी नहीं है, हम सबके घर ऐसे ही हैं, घर घर की कहानी है। फिर थोड़ा सा आगे गए तो मनमानी को जीने के साथ जोड़ा है। आप साड़ी नहीं पहनती हो तो जीन्स पहन के भी जी लोगे, ऐसा नहीं है, है ना? तो आप कुछ भी पहन लो, कुछ भी खा लो, वो जिंदा रहना ही होता है। इतना है कि दूसरे के जिंदा रहने को अपना जीना मानना है, अपना जिंदा मानना है कि अपने मन से अपना जिंदा रहना है। तो हमारा मॉडल वो था कि हम लोग अपने ज़माने में एक आज्ञाकारी बेटे थे, आजकल हम एक आज्ञाकारी पिता हैं। हमारे तो मनमानी करने का टाइम आया ही नहीं। तो आपकी हमारी जमात वही है कि जब एक आज्ञाकारी बेटी थी, आजकल एक आज्ञाकारी माँ है, कल एक आज्ञाकारी सास रहेगी, आपका भविष्य ऐसा है। तो हमारे बच्चे आए जिन्होंने मनमानी करना शुरू किया, क्योंकि हमारे पिताजी जो है उस टाइम में जब एक डिस्टेंस मेंटेन करते थे और बच्चों के साथ बहुत बात नहीं करते थे, और पिताजी आए मतलब गब्बर सिंह टाइप। लेकिन जब हम जीने की बात कह रहे हैं तो उसमें कह रहे हैं कि अपनी ज़िंदगी में हमेशा खुश रहना और दूसरे की ज़िंदगी में खुशियां पैदा करना। तो अपनी ज़िंदगी में खुशी, अपने को खुश बनाए रखना, अपने हमेशा खुश रहना और दूसरों की ज़िंदगी में भी हमेशा खुश रहने के लिए उपयोगी बनना, इसका नाम जीना है। और पुराने शरीर को बनाए रखने के लिए जो भी आहार निद्रा भय और प्रजनन है, है ना, उसके लिए जो भी सामान जुटाना है, एसी लगाना है, जो भी और करना है, उस सब का मतलब कुल मिला के जिंदा रहने की बात है। तो अब हमको ये तो पता चला कि हाँ, दोनों में अंतर है। और देखिए, सूत्र है, कुछ गलत नहीं हो गया है, ऐसा भी समझने की बात है कि मानव समीक्षा विधि से आगे बढ़ता है। समीक्षा शब्द गुजराती में चलता है, समीक्षा का मतलब है, समीक्षा का यहाँ इस दर्शन में जब हम कोई भी शब्द बोलते हैं तो उसका बहुत एक प्रिसाइज मतलब होता है। तो दर्शन का, दर्शन में जब मैं समीक्षा शब्द यूज़ करूँगा तो उसका मतलब है अधूरेपन के अधूरेपन को पहचान लेना। कोई चीज़ अधूरी है, इनकम्प्लीट है, है ना, उसके इनकम्प्लीटनेस को पहचान लेना, इसका नाम समीक्षा है। तो सारी ज़िंदगी की यात्रा देखें तो दो लाइन की यात्रा है, भ्रम की समीक्षा, सही का मूल्यांकन।
पूरी मानव की शरीर यात्रा को देखें तो भ्रम की समीक्षा, जो भ्रम है, इल्यूजन है, हम उसको पहचान सकें कि ये इल्यूजन है, इसमें ज़िंदगी नहीं है, जिंदा रहना जीना नहीं है, ये कल का पाठ हो गया, जीना कुछ और है। ये बात ठीक है कि जब हम जीने की बात करते हैं तो जिंदा रहना एक आवश्यकता है, इसलिए जिंदा रहने का जो भी सारा सामान है, तो शरीर भी एक साधन है, गाड़ी भी साधन है, मकान भी साधन है, जब ये समझ में आया तो हमारा ध्यान इस बात पे चला गया कि मैं गाड़ी के लिए कि गाड़ी मेरे लिए। अभी तक धन और पद के लिए, धन और पद और मुझे जो मेरी जो डेस्टिनेशन है उसके बीच में काफ़ी कंफ्यूजन था, तो वो कहीं ना कहीं क्लियर हो रहा है कि अभी मेरी जो डेस्टिनेशन है उसमें मैं बढ़ूंगी आगे, तो ऑटोमेटिक धन पद की कुछ ज़रूरत नहीं है। और जितनी ज़रूरत है उतना उपलब्ध होता ही है, उपलब्ध हो जाएगा ऑटोमेटिक। तो पद से व्यक्ति सुशोभित होता है कि व्यक्ति से पद सुशोभित होता है? व्यक्ति से पद सुशोभित हो जाए, एक TN सेशन आए तो आज तक वो इलेक्शन कमीशन का पद जिंदा हो गया, उसके बाद जो आता है उसमें सेशन का भूत रहता ही है, थोड़ा रहे ज़्यादा रहे, उसके पहले किसी को पता नहीं था इस नाम की भी कोई चीज़ होती है देश में। उसके पहले वो इलेक्शन कमीशन, इलेक्शन कमिश्नर, वो प्राइम मिनिस्टर ऑफिस और तमाम बड़े ऑफिस में जाके लाइन में लग के मिलता था, उसको ये पता नहीं था कि ये संवैधानिक पद है और मैं इस हैसियत से बात कर सकता हूँ। ऐसा वीडियो जो YouTube और तमाम इन्फॉर्मेशन बताती, तो किसी ने उस पद को जिंदा कर दिया। ऐसी हमारी स्थिति वही है कि हमको अपने मानव होने का पता नहीं है, मानव होने का पता नहीं है तो धन और पद के पीछे लाइन में लग के खड़े हुए हैं। मानव होने का पता चलेगा ये पीछे लाइन में लगते हैं। तो मानव बड़ा है कि धन और पद बड़ा है? तो यदि हम बोलते भी नहीं बन रहा है, मानव बड़ा है कि धन और पद बड़ा है? यदि मानव बड़ा है तो मानव धन पद के पीछे जाएगा कि धन मानव के पीछे धन और पद आएगा? मानव के पीछे आना चाहिए, तो सम्मान की बात है। तो मैं मेरी उपयोगिता के साथ जीऊँगा, जब मैं मेरी उपयोगिता के साथ जीता हूँ तो आवश्यकता अनुसार जो आवश्यक है वो उपलब्ध होता ही रहता है, एकदम अलग तरह का खेल है। तो शायद हमने उस लेवल से चीज़ें ऑपरेट नहीं की हैं। जब जीने के लेवल को ऑपरेट करते हैं तो जिंदा रहना बहुत आसान हो जाता है, जब जीने का लेवल पकड़ में नहीं आता है तो जिंदा रहना हमेशा कॉम्प्लिकेटेड है। तो जीने से जिंदा रहने का सूत्र निकलेगा। कल हमने चर्चा किया था कि समाधान के बिना धरती पे एक आदमी समृद्ध हो नहीं सकता, ये भी नियम है, क्योंकि उसके पहले वो किसी से कंपैरिजन करता ही रहेगा, कंपैरिजन करके हमेशा अपने भीतर छोटेपन का भाव, बड़ेपन का भाव आता ही रहेगा, उसकी मानसिक गरीबी कभी नहीं जाएगी।